चतुर्भुज श्री राम मंदिर मांडव में 3 दिवसीय धार्मिक एवं वैज्ञानिक स्तर का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। उक्त आयोजन पहली बार किसी धार्मिक स्थल में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें विज्ञान के तथ्यों को धार्मिक आधारों पर और धर्म के सूत्रों को वैज्ञानिक आधारों पर युवा वर्ग को समझाने और उनके जीवन में उतारने का प्रयास किया जाएगा। इस कार्यक्रम में महामंडेश्वर श्री 1008 नरसिंहदास जी महाराज को जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा फेलोशिप द्वारा सम्मानित भी किया जाएगा। विश्व में यह पहला अवसर है कि किसी संत को जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा उनके पर्यावरण के क्षेत्र में अद्वितीय कार्य हेतु फेलोशिप से सम्मानित किया जा रहा है। आयोजन के मुख्य अतिथि नोबेल विजेता कैलाश सत्यार्थी, डॉक्टर डीपी सिंह अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दिल्ली और प्रदेश शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी सहित कई देशों से अतिथियों के अलावा बड़ी संख्या में प्राध्यापक, शोधकर्ता, विद्यार्थी, पर्यावरणविद, वैज्ञानिक, साहित्यकार और कार्यकर्ता भाग लेंगे। उक्त 3 दिवसीय आयोजन 22 फरवरी से 24 फरवरी तक होगा। ये जो 3 दिवसीय कार्यक्रम जो 22 से 24 फरवरी होने जा रहा है, ये मुख्य रूप से भारतीय प्राणिकी मंडल बोध गया और आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस और माँ अनंता अभ्युदय संस्था के द्वारा संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। इसमें मुख्य रूप से जीवन पर पृथ्वी पर जीवन की सुरक्षा के संदर्भ में 20 देशों से वैज्ञानिक एकत्रित होंगे और वो इस विषय पर विचार विमर्श कर अपनी अनुशंसाएं प्रदान करेंगे। इसमें एक सत्र हमने विशेष नदियों को लेकर रखा है, नदियों के रीढ़ से ऊऋण होना। नदी हमें बहुत कुछ देती है और हम नदी के प्रति हमारी आस्था एक माँ की जरूर है, लेकिन क्या हम माँ का सम्मान माँ के रूप में कर पा रहे हैं? हम अपने घर का कूड़ा कचरा पूरा नदी में जाके डाल देते हैं। हम ये बोलते हैं माँ है तो वो सब चीज़ें संभालेगी, लेकिन माँ की भी सहन करने की एक क्षमता होती है। तो इस संदर्भ को लेकर कि नदी को कैसे स्वच्छ रखा जाए, उसको संरक्षित कैसे किया जाए, कैसे पानी की शुद्धता बनाए रखी जाए और वैज्ञानिक पहलू पर विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी और इसी के साथ नदियों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु नई पॉलिसीज तैयार की जाएगी। इस कार्यक्रम में लगभग 20 देशों के वैज्ञानिक शिरकत करेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा विश्व में पहली बार किसी संत को पर्यावरण के क्षेत्र में फेलोशिप द्वारा सम्मानित किया जाएगा। ये अपने आप में एक बहुत अनूठा कार्यक्रम है और इसी के साथ विश्व की कुछ संस्थाएं महामंडलेश्वर श्री 1008 नरसिंहदास जी महाराज को उनके कार्य आध्यात्मिक एवं पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य हेतु सम्मानित करेंगे। 22 फरवरी से 24 फरवरी तक चतुर्भुज राम मंदिर मांडव के परिसर में युवा पीढ़ी के वर्तमान जीवन शैली और धर्म के वैज्ञानिक महत्वों को उनके जीवन में उतारने के उद्देश्य से यह आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में हम युवा वर्ग के सामने हमारे आदिकाल से चले आ रहे धार्मिक शास्त्रों में वर्णित कथनों को उनके वैज्ञानिक महत्वों के साथ वैदिक विज्ञान के रूप में प्रेषित करेंगे। ये 22 फरवरी से 24 फरवरी तक होगा। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में कौन रहेगा? इसमें मुख्य अतिथि के रूप में कैलाश सत्यार्थी जी, जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, वो रहेंगे। उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी जी रहेंगे। यूजीसी के चेयरमैन डीपी सिंह साहब रहेंगे और देश भर के अनेकानेक यूनिवर्सिटीज के वीसीज इसमें शिरकत करेंगे। इसमें अनेकानेक देशों से पधारने वाले शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों द्वारा सीधे छात्रों से हमारे शास्त्रों, उनमें उल्लेखित सूत्रों, उनके श्लोकों पर उनके वैज्ञानिक महत्व के रूप में चर्चा की जाएगी। विद्यार्थी सीधे ही वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों से रूबरू हो पाएंगे और इनके साथ साथ
कई कल्चरल एक्टिविटीज का भी आयोजन किया जाएगा। इसमें सबसे प्रमुख रूप से हमारी सांस्कृतिक महत्व की कल्चरल एक्टिविटीज विद्यार्थियों द्वारा ही की जाएगी। जैसे आज फैशन शो के रूप में अनेकानेक मॉडल्स द्वारा नाना प्रकार की विदेशी और भद्दी चीजों का प्रदर्शन किया जाता है, यहाँ हमारे विद्यार्थी फैशन शो के रूप में भारतीय सांस्कृतिक परिधानों को ही लेकर उनके सांस्कृतिक महत्व को बताएंगे। इसी के साथ कई शास्त्रीय संगीत व नृत्य के भी सांस्कृतिक आयोजन आयोजित किए।